अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो दोस्तों के साथ बाहर घूम फिर के और आज अल मशहूर गनी शनवारी जो है वो खाने का है। हमने भाईजान जाना है गनी शनवारी, वो जो आपको बोर्ड साइन बोर्ड नज़र आ रहा है इधर ही बढ़िया कढ़ाई है। हाँ, यहाँ पे हमने ये अलियास वालों के पास ही बड़ी कढ़ाई खाई है, लेकिन आज हमारा जो टारगेट है वो है गनी शनवारी। बाज़ औक़ात तो मैं सोचता हूँ इनको हमारे आर्डर के बारे में पता कैसे चलता है कि हमारा आर्डर कौन कौन सा है। माशाल्लाह इतने आर्डर लगे हुए हैं और अब नहीं पता कि हमारे आर्डर की जो बारी है वो कब आएगी। ये देखें ज़बरदस्त ट्रक अड्डा जो है गणेश अलमारी अल मशहूर ट्रक अड्डा। ये इनका सारा कोल्ड स्टोरेज एरिया है माशाल्लाह। हमने खानी जी शनवारी कढ़ाई। नहीं जगह तो होनी चाहिए, जगह क्यों नहीं है? बहरहाल रश भी बहुत ज्यादा है। कहाँ गए? इतने ही पै जाने, आ जाओ भाई, उन्होंने ही जगह है साढ़े को, और तो है ही कोई नहीं। हाउसफुल में जो हमारे लिए जो है कबीर साहब, ये जगह हमारे लिए आई है गणेश शनवारी खा रही है, तो फिर थोड़ी सी जो है वो कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जगह मिली है। रूफ वगैरह सारी जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा। अगर गणेश शनवारी खानी है तो फिर तो आपको तो यहाँ पे थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। कबीर साहब जगह कैसी है ये? बहुत ज़बरदस्त। शाहिद साहब क्या कहते हैं, ऊपर जगह सही थी या ये वाली जगह सही है? यार उतने तो हवाई बड़ी मिलती थी। हाँ हवा तो है ऊपर बहुत ज्यादा। आज तो पहली दफा साढ़े नाल आए हैं तो साढ़ा काम नहीं बन रहा यार, समझ नहीं आ रही मेरे को। कबीर साहब ये इस बंदे की बरकत है या इसकी मकसद है? ये आज हमारे साथ आया तो हमें जगह नहीं मिल रही, जब भी आए हम ऊपर ही बैठे हैं और छत पे आज जगह नहीं है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा रश है। कबीर साहब यहाँ पर भी जो है वो जगह नहीं, हम इसके ऊपर दिल्ली भी बैठे थे याद हो रही है, और उसके बाद हम काफी मरतबा आ चुके हैं, हम ऊपर ही बैठे रहे। कबीर साहब छप्पन की गल दस रहे हो यार, ये देखें लोग कितना वेट करने के बाद भी जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, और ऊपर तो बिल्कुल जो है वो सब कुछ जो है वो फिल है। यहाँ पर भी जो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, और ये देखें बहरहाल टेस्ट अपना अपना, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर टेस्ट ट्राई किया होगा, और जिन लोगों ने किया होगा उनके मुंह में तो पानी आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया अगर भाई यार पैसे हैं तो ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि थे किस तरह किलो थी? हाँ 3400 रुपये किलो है। मैंने रेट लिस्ट मैंने दिखा दी हुई है, और ठीक है अगर पैसे हों तो बिल्कुल। अगर कबीर साहब
कह रहे हैं महंगा नहीं है। मैंने कहा अगर पैसे हो तो फिर तो महंगा नहीं है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सही कह रहे हैं, सस्ता बहुत ज्यादा सस्ता है। तो फिर तो बहुत सस्ता नहीं है, खाने का भी मजा है लेकिन जब वो आपसे पैसे देंगे ना फिर आपको पता चल जाएगा। तो फिर साहब आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ बहुत जबरदस्त है, अगर आपको फ्री में कोई खाना खिलाए तो। कबीर साहब फ्री में तो फिर जो है ना वो बर्तन भी बहुत सारे हैं इनके। कबीर साहब रात सारे धोने पे आप उसकी बात है, घर में भी तो बर्तन धोए जाते हैं, अगर यहाँ पे एक मतलब खाना खा के रात भर धोने पड़ जाए कबीर साहब कोई मेहमानियाँ तो नहीं है वैसे? आज कबीर साहब ऑर्डर में अगर 3 किलो लो आ दे जाएगी, आज आज देखी जाएगी कबीर साहब। हाँ जी आप भी इस बारे में ये कहते हैं बर्तन धो लेंगे आप इजीली? मैं तो बड़ी स्पीड है कबीर साहब, आजकल तो शैम्पू आया है वो तो वैसे डालो तो वैसे खत्म हो जाता है। कड़ी चीज बंदा बेच थले ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अल्लाह ने अगर आपको दिया तो दो चीजें आपकी बड़ी खालस होनी चाहिए, एक सबसे पहले कबीर साहब खाना, मुझे मतलब का खाना बड़ी है, वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, उसके बाद वाली बात मैंने सुनी नहीं। आपने भी भाईजान कोई बात सुनी है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कि नहीं सुनी? ये भाईजान हमारी बड़ी ना गौर से बात सुन रहे हैं और हम इनको अपने वीलॉग में लेकर आ रहे हैं और इनको पता चलेगा कि यार मेरी मैं वीडियो के अंदर आ गई हूँ और मैं इतना पॉपुलर हो गई हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हमें तो इन्होंने 40 मिनट का कहा कबीर साहब 40 मिनट का ही कहा, 40 मिनट आराम से, मुझे लगता है 1.5 घंटा तो बैठना। 7:45 पे ऑर्डर दिए क्या है? हमने तो शनिवारी कढ़ाई लगवाई है ना उसको लग जाएंगे 1.5 घंटा तो नॉर्मल बस। कबीर साहब 1.5 घंटा मैं इसको उस वक्त कह रहा था, नहीं मैंने इसको कहा, मैंने कहा वहां चलते हैं ऑर्डर देंगे नमाज वहीं पर जाके पढ़ेंगे, कहता नहीं नमाज तो पढ़ के फिर जाना, लेट कराते ही ना उन्होंने। अब हम यहाँ पे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। फिर से मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आती, जब मैंने बाहर लिस्ट देखी ना तो वो तो 50 कढ़ाइयां लगी हुई थी, इनको कैसे पता चलेगा कि ये 1.5 किलो ये 1.25 किलो है, इसमें लिखा होता है तो पर्ची कहाँ पे होती है, कढ़ाई के ऊपर थोड़ी पड़ी होती है। नहीं कैसे अंदाजा करते हैं मुझे आप ही बताए ना, भाई साहब फोन छाड़ दो, फोन साढ़े को भी आ रहे हैं कबीर साहब, मैंने लगता तुक्के लाते हैं मान लो कबीर साहब एक काम सारा तुक्कियां तो चल रहे हैं कबीर साहब, कहते नहीं पाकिस्तानी तुक्के लगाओ। लेकिन कबीर साहब इधर कोई गंडा शंडा नहीं लगे, बंदा खाने से पहले ही वजन तुलवाते जाते ही वजन तुलवा और ये मुझे यही कहता है ताहिर भाई उतने उतना ही है। सवेरे मेरी दुकान पे आना आपने, मैं आऊंगा इंशाल्लाह वजन करने के लिए। शायद तेरा कितना वेट है? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से पहले 97 पे था, 100 सेंचुरी कंप्लीट होने वाली थी, 3 रन का फर्क था और इस रमजान के बाद 94 पे आ गया है। कबीर बारी पे आए हुए, उम्मीद है फिर 96 पे पहुंच जाएगा। कबीर साहब आपका कितना वेट है? परसों किया था हमने 63 है, तो आज आपका 65-66 पे चला जाएगा उम्मीद है। अभी तो कबीर साहब घर से खाना खा के भी आ रहे हैं। अच्छा कबीर साहब वैसे ना मैं एक बात यकीन रखता हूँ, इनको ना हमारे पास घटके भी रखने चाहिए, पता 1.5 घंटा कुछ पढ़ते लगे यार कबीर साहब, ये टाइम कैसे गुजरेगा मैं तो ये हैरान हूँ। उसी आप इंतजार कर रहे हैं अपनी फेवरेट कढ़ाई का और आपको इंतजार करना पड़ जाए कबीर साहब घटका ही पता, चलो ऐसे जरा तस्वीर पर बंदा पढ़ता रहा घटका शनवारी कढ़ाई के अलावा की बड़ी सारी चीज़ें मैं भी दिखा देता हूँ, मैं भी मेरे पास लिस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। साढ़े मुंडे आर्डर ला के आ रहे ने, ऐ ऐ एक चौकी फतह करके आ रहे ने, ऐ देखो ऐ टेढ़े हो के आ रहे ने, जो इन्होंने पता लगेगा भाई जान असी 1.5 रुपए किलो आर्डर दे आए हैं तो तहसीलदार ने जो 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना इन्हें फिर कहना भाई जान काश उसी शिकर नहीं शनवारी ना ही खाधी होती कि ना, तो आर्डर किना दिता है? ओ छा गया तू ग्रेट
21 जगह ते सारे करवा रहे हैं, उनके 21 जगह ते होना पाए ना, दो दो जगह ते नहीं होना क्योंकि उनके, अच्छा उन्होंने कही भाई बाकी हमें कुछ नहीं पता, साढ़े 2 किलो का हिसाब जरूर रखना, साढ़े 2 किलो इधर है पट जेने ईरान है गोल, ओए होए 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 सफर दे ना देगा 30 नंबर। अच्छा जी भाईजान मैं आपको ये बताऊं, ये मेरा छोटा भाई है, मुझे कहता है आप फूड ब्लॉगिंग करें, ऐसा आप ब्लॉगिंग की है यार बड़ी गलत है, पैसा लगा दे के तफाते नहीं गया चलो बड़ा मशहूर हो गया फिर बंदा खाना सुन। अच्छा तसीर साहब आज हमने ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात पे फौरन अमल कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर अल्लाह ने आपको दिया ना तो आपका खाना जो है वो मियारी होना चाहिए, A1 होना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, मियारी और ज्यादा। क्या मियारी और ज्यादा? कबीर साहब तो कहते हैं कुछ ना कुछ बस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिसके पास पैसा भाई खाना है। आज माशाल्लाह जैनुल्लाह साहब टाइप भाई की बिल्कुल साथ बैठे हैं, अटैच हो गए, पता नहीं क्या है। आज इनके पैसे मैं जब भी भागे भैया उन्हों तो आज इनके पैसे मैं भरे ने आज सारे। अच्छा वाह, ए मेरे भाई ना मोटर चला नहीं आंदा। अच्छा ते आज मैं के है कैसे चला के ते मैं आवां, लेकिन वापसी तू लेके जाना, चार साल लेके जाए कार में। कबीर साहब ये तस्वीर दिखलावा है, ये भी पा लो। अच्छा एक बंदा अल्लाह कर भी रहा सी भी मना कर दिते, पहले ला दे। अच्छा गल सुनो, तुम अपना गोश्त लवा के आए हो, किस दिन वाले जमा कराया? लाला जी पहले उन्होंने ऑर्डर दे फिर साड़ी सुन लवी यार। यार इंतजार जो है ना, साहब इंतजार नहीं हो सकता, अगर भूख नहीं भी लगी है ना तो अब भूख लग जाएगी। मुझे कहता मैं घर में खा लिया है, मैंने कहा मरे तो उन साठ तो ज्यादा खाना है तो वही खा ले रहे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब पता ये कहते हैं, कहते जो खाना है ना असल वो उसी जानवर की चर्बी में बना होना चाहिए, वो खालिस होता है। कौन सी थी वो जो दुम्बे की पूंछ की चर्बी होती है ना वो? वाह जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी भाईजान बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद भूख की शिद्दत बढ़ती जा रही है, अब मैं तो यही सोच रहा हूँ यार कोई लूटो की गेम ना ला लिए। तसीउल्लाह आप इस बारे में क्या कहते हैं? तसी लूटो की गेम शायद लूटो इंस्टॉल हो रही है भाईजान। इंस्टॉल कर दी थी भाई आपको जी। लूटो खेलेंगे तो थोड़ा सा टाइम हमारा गुजरेगा यार, भुख तो बड़ी लग गई यार, पता नहीं कदों लगने कुछ। जिहड़ा बंदा हार गया कढ़ाई ओहदे उत्ते ओए फिर दो इन्हां दे भरा दो साडे भरा ऐ वी गल या फिर एक कर लो एक तुहाडा भरा एक साडा भरा कम से कम हिसाब बराबर दे रहेगा। लूडो दे भाईजान हुण साडे कोल टाइम है कोई नहीं, यानी कि टाइम तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, अब टाइम हमारा गुजर नहीं रहा, तो हमने लूडो वाली गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिहड़ा हारेगा पैसे ओही देगा। हमारा टाइम तो नहीं गुजर रहा, अब टाइम ऐसे गुजरेगा। ए लूडो लग गया है, लूडो वाली इंस्टॉल नहीं हुई, बड़ा सुनो इन्ने बंदे इस्तेमाल कर रहे ने, बंद करना सारे दा हॉटस्पॉट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या तो आप यहाँ बैठ के लूडो खेल सकते हैं या फिर आप यहाँ बैठ के वजीफे पढ़ सकते हैं। कबीर साहब फिर दसो ये कौन से वजीफे पढ़ रहा है? शादी तेरी हो गई है, स्कूल तू बना के बैठ। कबीर साहब किस तरह के वजीफे कर रहे हैं हमें भी बताए ना थोड़े से। इधर चल रही है लूडो की गेम और इधर उसको जिताने के हराने के वजीफे चलते हैं। कबीर साहब किसके लिए वजीफा कर रहे हैं? लीला मेरी साइड आएगी नहीं वजीफा। कबीर गल सुन, मैं पहले दस जमा तो वजीफा कर रहे ना तो आप अगर मैं हार गए तो पैसे नहीं लेने वजीफा। मैं पहले बता रहा हूँ आप सबको, तेरी साइड आएगी लाल, बंद कर सबस मेरी। नहीं नहीं बंद क्यों यार, मैं गेम खेलने लगा थोड़े नाल, मैं गेम खेलना है। हाँ तू गल कर। अच्छा लाल तेरी साइड आएगी, नीली मेरी, पीली इनकी। अच्छा भाईजान पहले इधर आई है, मैं मेरी गल सुन लो पहले, मेरा बंदा करता है वजीफा, अगर इतना वजीफा है एप्लीकेबल ना हो जाए तो इतनी बारी, और मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि आज जिन्हे वजीफे तेन आते ला दे आज ठीक हो गया। चलो जी भाईजान लाल 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हां जी लाल लाओ, लाल दे लाओ।
छक्का और तीन भाईजान अगर लूडो खेडना नहीं आता तो सीला ना खेड ना खेड खेडना तो थोड़ा इज्जत नाल खेड हाँ सानू इस तरह नहीं मजा आता छक्का दो ए छक्का ए दो चल अगे चल खेडना ही नहीं आता तुम्हें गेम खेडना नहीं आता पता नहीं कितों कितों उठ के आ गए हो जंगली हो पता नहीं कितों आ गए साढ़े नाल मुकाबला करने वास्ते के छक्के नहीं आ रहे थोड़ा वजीफा ज्यादा कर दे वजीफा की डोज ज्यादा कर दे कबीर साहब बोली सरकार बन जा रहा थोड़ी देर मरन के तू मरेगा तेरी तू ठाकुर तो भी हो क्या हुआ है लूडो में ये हार गया डाकू ओ डाकू ओए जफर साहब हार गए विनर को पहले नंबर पे कौन आया पहले नंबर पे मैं तसी ना मतलब तू भी हारते हारते बचे हैं ओ बस कर दे अब बस कर दे ओ टाइम ते आके तो फिर खत्म हो जानी है गरीब वाले काम छोड़ दे ओ यार जिद वैसे अपनी लूटो गरीब वाले काम छोड़ दे कबीर साहब मैं तेनों गल दसा बंदे को जिन्ने मर्जी पैसे आ जाए लेकिन हरकता गरीब वाले नहीं छोड़ता बंदा हकीकत है गरीब बंदे को जिन्ने मर्जी पैसे आ जाए इस तरह चवलियां जरूर मारेगा वे पुत्र जो मेरे मैनू ना दही का पूरा अपना चाहिए पूरा डब्बा ए तेरी दही है अपनी तू खा रहे हैं कबीर का भी कबीर तूने भी नहीं खाया ना हाँ हमें अनटच डब्बे चाहिए शाहिद साहब वरना पैसे थोड़े देंगे पहले बता रहा हूँ मैं ऐ वे गए नहीं थोड़े को सबर नहीं होता तेरे को शायद कोल है लूसी इंसान आ अच्छा जी गाइस मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ मुझे आपने बताना है कि कबीर साहब मैं सही हूँ कि नहीं हूँ आपने बताना जफर जब आप यहाँ पे पहले घर से भूख से भरे हुए आते हैं और जब आपको यहाँ पे दो घंटे और इंतजार करना पड़ता है भूख की शिद्दत में इजाफा कबीर साहब आपको तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीज़ मज़ेदार लगना शुरू हो जाएगी ऐसे ही ऐसे ही यार बड़ा थका देता है कुछ चीज़ा साढ़े सामने पईया ने बहरहाल भुख ने बड़ा बुरा हाल कर दिता है साढ़ा आर्डर मोहाली और 45 मिनट लेट है मुझे लग रहा है कि ये उम्मीद जो है ना कबीर साहब ये हमारी उम्मीद मुझे नज़र आ रही है और सुभान अल्लाह मेनू आज तो मुंडिया बड़ा सोहना लग रहे हैं कबीर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह करदशम माशाल्लाह ए वल्लाह करदश ओए होए सफर साहब करके मैं अपना मान लो किसे पासे भी कुछ भी नहीं लगिया यार मरो सारा खा गए खा गए भी साढ़े मुंडे कहते दिल मांगे मोर शाह ਇਹਨੇ ਟਿੱਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਰਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਟਿੱਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੇਟ ਹਾਂ ਰਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ ਜੋ ਬਲੈਕ ਤੇ ਚੰਦੀ ਆਏ ਬਾਰਾਤ ਮੁਬਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਮਸਾਇਆ ਪਰ ਬਾਰਾਤ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਬੜਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਇਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ और छड़िया दे कुछ भी नहीं है प्लेटा दे विच और आप बताएं जैनुल्ला मजा आया कि नहीं आया हाँ जी माशाल्लाह कमाल कर शाह साहब जब तू अंदर गया ना पहुंचे लेके बाहर कर कसीउल्ला के पाजी है कि ऐसी गल्ला माफ करे पैसे दे बहरहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया
और अगर आप लोग इसके टेस्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर आए। बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आया है। हमारे वीडियोस को लाइक और फॉलो जरूर किया करें, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मैं पहले पहले वीडियो बनाता रहा हूँ, इन्होंने तीन दिन चार चलने वाले खा भी ले सर एक बंदे ने, ऐसा आप लोग तो इधर ऑन भी अगर लाइक से फॉलो ना करो ये साथ आए दो दो गोटियां मेरी कट पाएगी फिर जाए आप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।